हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का भाग 6 देखते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखेंगे, इसे रिवीजन करें। चलिए, भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापथ की राजधानी थी। तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? तो उत्तरापथ की राजधानी थी। नेक्स्ट, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है, तो गुफा संख्या 9 है। 16 उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है, तो गुफा संख्या 9 में किया गया है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापिलुपति को। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापिलुपति को कहा जाता था। बराह मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बराह मिहिर। में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शूलिक जाति को माना गया है। चलिए, राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी? तो अश्वमेघ, जिसका जो 1814 से 1878 ईस्वी तक उसका था। चोल राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? यानी चोल प्रशासन काल में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? तो कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? इदरार कहलाती है। सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता इदरार कहलाती थी। चलिए, 9 अकबर ने 1562 ईस्वी में मेडता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल था। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेडता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विलियम डेरोजियो ने की। एंग्लो हिंदू एसोसिएशन हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया? क्रांति अमर रहे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। 1928 में क्रांति अमर रहे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। फादर ऑफ इंडियन ऑनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ इंडियन ऑनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पंडितों का दिन मनाया? तो 18 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। नेक्स्ट, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? सर सैयद अहमद का। हिंदू तथा मुसलमान सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, किसका कथन है? तो सर सैयद अहमद खां का है। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आस्ट्रम ने षड्यंत्र दिया कि ये क्रांति जो है ना हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आस्ट्रम। सिंगापुर में पांचवी लाइट इन्फैक्ट्री के साथ लोगों ने गद्दर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो जमादार
चिश्ती खान, जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में। सिंगापुर में पांचवी लाइट फैक्ट्री के साथ लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में, तो जमादार चिश्ती और सूबेदार खान टुंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया, केंद्रीय विठल भाई पटेल को, केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया विठल भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अखिल बांग्ला छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुई, जवाहरलाल नेहरू की। अखिल बांग्ला छात्र सम्मेलन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजापति संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो अक्टूबर 1924 में की गई थी। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजापति संघ की स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार इसको भी बोलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपलब्ध संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 263। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से उद्दित है, यानी लिया गया है कनाडा के संविधान से। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, सरकारी उपक्रम समिति यानी वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा 15 और राज्यसभा के 7, लोकसभा में 15 और लोकसभा के 7, यानी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई, तो राजस्थान 1949 में और इलाहाबाद 1866 में, राजस्थान 49 और इलाहाबाद 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया, तो 39वां संविधान संशोधन 1975। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया, तो 39वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित, तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों को अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है, राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, तो गुजरात में लोक अदालत आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है वह है तारांकित प्रश्न, मौखिक तारांकित। भारत तथा विश्व के भूगोल, चलिए विशाखापत्तनम एवं कोयली जो गुजरात में स्थित है, में तेल शोधक की स्थापना हुई थी 1957 विशाखापत्तनम में, 57 तथा कोयली गुजरात में 1965। 1957 में विशाखापत्तनम पहले और 1965 में गुजरात के कोयली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने व एक कारखाना स्थापित किया गया, राजस्थान के गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाया जाता है, राजस्थान में गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने के कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है, जूट के सामानों का 35% उपयोग भारत में होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं, जिसमें वह महाद्वीप, प्रायद्वीप का
महाद्वीप कहलाता है। तो यूरोप 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 जो है यूरोप है महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है वो तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में जापान रखता है? जलयान में जापान जलयान जापान जलयान जापान प्रथम स्थान। पृष्ठभूमि में पोटेशियम नामक तत्व का प्रतिशत कितना है? सॉरी भूपृष्ठ में यानी धरती के ऊपर में पोटेशियम 2.59% है, 2.59% है भूपृष्ठ में पोटेशियम नामक तत्व 2.59% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भारत में कर्णप्रयाग में किन दो, तो अलकनंदा एवं पिंडार, अलकनंदा एवं पिंडार। भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और पिंडार। नेक्स्ट है मुथुवान तथा मालुकरवान तथा सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मुथुवान मालुकरवान तथा सुमाली जनजाति केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान, महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ, महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट, यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भूचल के समय हुआ? यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो हर्सिनियम भूचल के चलते हुआ। यूराल एवं अल्पेशियम का हर्सिनियम भूचल के चलते हुआ। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किन नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की है? तो तृतीय योजना में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर तृतीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भारतीय यानी इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 20 मार्च 1985 में की गई। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का है वियना। चलिए इसके बाद देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी यानी NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई? 8 नवंबर 1996 में। यानी प्रथम डिपॉजिटरी तथा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी NSDL 8 नवंबर 1996 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 की औद्योगिक क्रांति में अ ब एवं स तीन वर्गों में उद्योग को वर्गीकृत किया गया, कौन सा वर्ग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए आता है? तो वर्ग स आता है, अ ब स तीन वर्ग भागों में बांटा गया तो स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? मालेगाम प्राथमिक पूंजी बाजार से मालेगाम का संबंध है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष ये तो करेंट है, सामान्य विज्ञान हम देखेंगे। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। खसरा यानी मिसेल्स होने का क्या कारण है? तो वायरस है, खसरा वायरस से होता है। सामान्य परिस्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। हृदय से आने वाले भाग को 24% ही गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कार कौन किए थे? तो कारोथर्स 1937 में किए थे। नायलॉन कारोथर्स 1937 में किए थे। स्टाइल रूटाइल किस धातु का अयस्क है? टाइटेनियम धातु का अयस्क है। स्टाइल कथी है रूटाइल टी आई ओ टू किसका अयस्क है? तो टाइटेनियम का। लैंडस्काई PBO का व्यापारिक नाम क्या है? तो तिथार्ज है। लैंड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ है? कोलाबा महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोबाला महाराष्ट्र में है।
स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो वेल का होता है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बैकुरल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकोस्टिक कहलाता है। एकोस्टिक ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकोस्टिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो 0.51 मेगावोल्ट। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.51। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का क्या कारण होता है? बादल का हवा में वायु की श्यानता वेस्कोसिटी अपने कम घनत्व के कारण होती है। बादल में वायु की श्यानता वेस्कोसिटी अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विकिरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ए आई ओपेरिन ने किया। जीवन के उद्भव तथा प्रथम वैज्ञानिक विकिरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ए आई ओपेरिन ने किया। चलिए उसके बाद हम खेल कूद से देखते हैं। खेल कूद में है चेज फिजो एवं पोन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? चेज फिजो एवं पोन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो खोखो से संबंधित है। खोखो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव बागा एवं गोपी चंद दीपंकर किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। स्क्वैश खेल में कोर्ट का आकार कितना होता है? 32 फीट गुना 21 फीट होता है। स्क्वैश 32x21 होता है। उसके बाद विंटेचर कप एवं काउंट्री पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? विंचेस्टर कप तथा काउंट्री पार्क किस स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो पोलो में प्रदान किया जाता है। उसके ब्लैक हीथ नामक स्थान जो कि इंग्लैंड में है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक हीथ नामक स्थान इंग्लैंड में है, रग्बी के लिए प्रसिद्ध है, रग्बी फुटबॉल। भारत का ईडन गार्डन स्टेडियम किससे संबंधित है? कौन से खेल से? तो क्रिकेट से है। रग्बी फुटबॉल किस देश के का राष्ट्रीय खेल है? तो स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन विविध में क्या है? भारतीय नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? नौसेना के वाइस एडमिरल आर डी कटारी जो कि 1958 से लेकर 62 तक रहा है। भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष आई है? डाक जीवन बीमा 84 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन AICO का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। AICO का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन यानी AICO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के सफलता के प्रशिक्षण के प्रक्षेपण के बाद किस उपग्रह का सफल प्रशिक्षण किया? तो भास्कर फर्स्ट का 1979 में सोवियत कास्मोड्रोम से किया गया। भास्कर टू 1981 में सोवियत कास्मोड्रोम से किया गया। चलिए भारी जल डी टू संयंत्र तुतीकोरिन तमिलनाडु की क्षमता प्रतिवर्ष कितनी है? तो 49 टन। तुतीकोरिन तमिलनाडु की क्षमता भारी जल 49 टन है। एल सुब्रमण्यम कुनकड़ी वैद्यनाथन किस वाद्यंत्र से? एल सुब्रमण्यम वायलिन बजाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम की राजधानी व भाषा कौन है? तो
परामरीबो है, परामरीबो है डच, डच उसकी राजधानी परामरीबो है तथा भाषा है डच, डच डच। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थे? अर्जुन पुरस्कार से एन लॉन्सडेन, हॉकी में उनको मिला था 1961 में। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित महिला एम लॉन्सडेन। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद में है एम्मा प्राइस एंड प्रिजुडिस, एम्मा प्राइस एंड प्रिजुडिस नामक पुस्तक के लेखिका जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन प्राइस एंड प्रिजुडिस पुस्तक के लेखक जेम्स ऑस्टिन। नेक्स्ट किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। नेक्स्ट भारत के एकदम दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर एकदम दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट विश्व बाधिर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 सितंबर को विश्व बाधिर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टार्ड, STARD, स्टार्ड का पूरा नाम क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टार्ड का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पिकविक नामक पात्र चार्ल्स डिकेंस किस रचना का पात्र है? तो पिकविक पेपर्स का रचना है। नेक्स्ट इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड में 1642 से 1848 में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ। नेक्स्ट झूठ सच और चित्रलेखा किसकी रचना है? तो यशपाल तथा भगवती चरण वर्मा की, क्या है रचना है? आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, यह कथन किसका है? तो विटसन चर्चिल का है। आई हैव माउथिंग टू ऑफर बट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, वेस्टर्न चर्चिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मानचित्रों पर क्रमिक ताप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? मानचित्रों पर क्रमिक ताप, क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली आइसोनोमल रेखाएं कहलाती है। तो उसके बाद फॉलकेटिंग किस देश के संसद को कहते हैं? डेनमार्क के संसद को फॉलकेटिंग कहते हैं। डेनमार्क के संसद को हम क्या कहते हैं? तो फॉलकेटिंग कहते हैं। इसके बाद हम आएंगे, चलिए इसके बाद हम आएंगे 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। जाट जाटिन किस राज्य से संबंधित तुक नृत्य है? तो जाट जाटिन बिहार का है। आंवला की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो भारत में हुई। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। उसका युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। चलिए इसके बाद हम सार संग्रह दूसरे सार संग्रह में आएंगे जो कि नवंबर 1999 का है। चलिए इसमें आते हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में हम जानकारी करते हैं। नेक्स्ट महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो 8 स्तूपों का। उनके मरने के बाद उनके शरीर पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान के आज्ञा पत्र को क्या कहते हैं? तो शासन पत्र कहते हैं। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान के आज्ञा पत्र को शासन पत्र कहते हैं। नेक्स्ट किस इमारत को ताजमहल के फुवड़ नकर? तो बीवी का मकबरा। तो उसके बाद हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में
पेशवा का सचिवालय, हुजूर दफ्तर क्या था, पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय का अनुयायी किस देवता के उपासक थे, लिंगायत शिव के, लिंगायत शिव के, लिंगायत लिंग आ गया तो शिव के। उसके दीवाने ईसा का क्या तात्पर्य है, तो पत्र व्यवहार का कार्य। दीवाने ईसा का क्या तात्पर्य है, तो पत्र व्यवहार का कार्य। किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था, ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है। ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य, ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है, तो महमूद तुगलक के बारे में कहा जाता था, महमूद तुगलक के बारे में कहा जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अकाल संहिता तैयार किया था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट, कश्मीर में मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे, तो ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो सीताराम दास ने किया था। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व सीताराम दास ने किया था। नामसूद किस राज्य के अछूत गरीब किसान थे तो बंगाल के। दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा गया, तो वेद समाज को कहा गया। नागा महिला नेता मेडियन लियू को रानी की उपाधि किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू ने दी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे, तो संस्थापक घनश्याम दास बिरला संस्थापक। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला तथा महासचिव ठक्कर बापा थे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ, इंडियन एसोसिएशन का 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया। गदर पार्टी के मुख्यालय कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में है। सुभाष चंद्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया, तो 1938 में हीरापुर गुजरात में चुना गया। 1938 में सुभाष चंद्र को हीरापुर 1938 में गुजरात में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-1930 के दशक के अंत में जुआ बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था, तो हेनरी विलियम डेरोजियो थे। 1920-30 के दशक के अंत में जुआ बंगाल के नेता हेनरी विलियम डेरोजियो। नेक्स्ट, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विरोध की योजना बनाई, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 में पंजाब में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से हम देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो भारत की जनता में निहित है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम नेपाल है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। चलिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, तो राज्यसभा करती है 2/3 बहुमत से। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करती है 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन
गठित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार तथा ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त, विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत एवं विश्व का भूगोल हम देखेंगे। गोंडवाना क्षेत्र की खनिज के लिए विख्यात है, गोंडवाना कोयला के लिए विख्यात है। जादूगोड़ा बिहार किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है तो बिहार है। कोयले के भंडार में बिहार झारखंड अब हो गया। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है गुजरात में, सॉरी असम में, काजीरंगा असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित है। कोयले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोल रिफाइनरी उद्योग के लिए कोयली जो मुंबई में है, पेट्रोल रिफाइनरी उद्योग के लिए है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, उसी परियोजना में लाभान्वित होता है तो बिहार और नेपाल। लॉस्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में है, लॉस्कर चिली में है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। आधारिक संरचना वित्त कंपनी यानी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। आधारिक संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना ने की? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की? 8वीं योजना में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया जाता है? तो नीली क्रांति। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया तो राष्ट्रीय विकास परिषद। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितनी दूर है? तो समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर है। 200 एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र जोन 200 मीटर दूर है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। पेट्रोलियम तेलों का संगठन है, तेल वाले देश का संगठन। 14 नवंबर 1960 में ओपेक। नेक्स्ट, सभी के लिए विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना किस पंचवर्षीय योजना के घोषित उद्देश्यों में से एक है? तो नौवीं योजना के है। नेक्स्ट, हाल ही में प्याज के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है? तो सॉरी, ये तो करंट का विषय है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में हम देखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की? तो एफ जी बेंटिंग ने की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसको पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? तो अर्जिमोन। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए अर्जिमोन का मिलावट खतरनाक होता है, उत्तरदायी माना जाता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो ध्वनि तरंग के माध्यम से समुद्र की गहराई मापी जाती है तो सोनार। नेक्स्ट, मूत्रों में एल्बुमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो ब्रिक किडनी। मूत्रों में एल्बुमिन आने से किस अंग में गड़बड़ी उत्पन्न होती है? तो ब्रिक। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैस का प्रेशर मैनोमीटर गैस के प्रेशर मापते हैं।
चलिए, टेनिस हॉल, इसके बाद देखेंगे खेल कूद से हम देखेंगे टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ है, तो रोडे में है, रोडे में है, द्वीप के न्यू पोर्ट नगर में, द्वीप के रोडे में है, द्वीप के न्यू पोर्ट में टेनिस हॉल, टेनिस हॉल, टेनिस हॉल ऑफ फेम, टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ है, तो रोडे में है, द्वीप के न्यू पोर्ट नगर में स्थित है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कप्तान उप कप्तान क्रमशः सनजय सुजा मैला जयवर्धन। चलिए यहाँ से देखेंगे सुधीर रमन की कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से, सुधीर रमन बैडमिंटन से। किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है, तो वायुयान रेस में दिया जाता है। किंग्स कप वायुयान रेस में दिया जाता है। किंग्स कप वायुयान रेस में दिया जाता है। चलिए, टॉपरियन तथा चाइनीज ग्रिप काउंटर हंटिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो टेबल टेनिस में। लंदन का बेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित, लंदन का बेम्बले स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, लंदन का बेम्बले फुटबॉल से संबंधित है। डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के पुरोध हैं, तो क्रिकेट से। कमलेश मेहता, मंजीत दुआ तथा अस्मिता देसाई का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो टेबल टेनिस। कमलेश मेहता, मंजीत दुआ तथा अस्मिता देसाई का नाम टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। उसका विविध हम देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब्दुल अजीज कौन है, तो सऊदी अरब के युवराज हैं। उसके बाद हम देखेंगे पायामे इंसानियत के रचयिता, पायामे इंसानियत के रचयिता हैं मुस्लिम धार्मिक गुरु अली मियाँ। उसके बाद हम देखेंगे गॉड मदर में गीत माटी रे माटी के गीतकार कौन है, तो जावेद अख्तर हैं। गॉड मदर में गीत माटी रे माटी के गीतकार जावेद अख्तर हैं, गॉड मदर। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे उसके बाद लेस एयरपोर्ट टाइम मोर बिजनेस टाइम किस एयरवेज के विज्ञापन की आधार लाइन है, तो जेट एयरवेज। लेस एयरपोर्ट टाइम मोर बिजनेस टाइम किस एयरवेज के विज्ञापन है, तो जेट एयरवेज एक्सप्रेस की। उसके बाद गॉडफादर उपन्यास के लेखक कौन है, जिनका हाल ही में, सॉरी ये भी छोड़िए, मोरियो पुंजो हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। बाल उपहार वृद्धि कोष यानी चिल्ड्रेंस गिफ्ट ग्रोथ फंड का प्रबंधन कौन करता है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट इंडिया करता है। ए पैसेज ऑफ इंग्लैंड निदर्सी चौधरी। इसके बाद है विलियम डोयली द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट हाउस टेप्स कॉम एफडीआर टू क्विंटल में एफडीआर से क्या अभिप्राय है, तो फ्रेंडलिक डी रूजवेल्ट। उसके बाद है विज्ञापनों में द ऑनेस्ट शॉट की बेसलाइन से कितने धूम मचा रखी है, तो पीटर इंग्लैंड ने मचा रखी है। उसके बाद कोलंबिया शटल में कक्षा में भेजी जाने वाली चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में चंद्र का क्या अर्थ है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम शेखर के नाम से है। कोलंबिया शटल सुब्रमण्यम शेखर के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं, चलिए ये भी क्वेश्चन है करंट का 13वीं लोकसभा के चुनाव। इसके बाद
लुफ्तहांसा किस देश की राजधानी है? तो जर्मनी के लुफ्तहांसा जर्मनी की है अति एयरलाइंस है। चीज़ बॉय एवं बटर गर्ल किसके उत्पादकों से संबंधित है? अमूल के। चीज़ बॉय एवं बटर गर्ल किसके उत्पादकों से संबंधित है? अमूल के उत्पादक से संबंधित है चीज़ बॉय एवं बटर गर्ल। उसके जसविंदर नरुला किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए हैं? गायन के क्षेत्र में। जसविंदर नरुला किस क्षेत्र में? तो गायन के क्षेत्र में। फ्रांसिस्को फ्लोरेंस किस देश के राष्ट्रपति हैं? एल साल्वेडोर के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके बाद यहीं पे हमारा समाप्त होता है। उसके बाद में हम फिर अगला सार संग्रह देखेंगे। चलिए अगला सार संग्रह कह रहा है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति से हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो पशु चोरी अपराध है ऋग्वेद में सबसे अधिक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद की बात हो रही है। तो चोरी सबसे अधिक उल्लेख है पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धार्थ के जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया। चलिए नेक्स्ट, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? गुप्तोत्तर काल की बात है। लिंगायत संप्रदाय का उद्भव हुआ। मनु एवं यज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल माना जाए। मनु यज्ञ वाल्के स्मृति में स्त्रियों किसके समतुल माना गया है? तो शूद्रों के समतुल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? प्रथम 1000 तथा अंतिम 1027 में। महमूद गजनवी 1000 तथा अंतिम 1027 में है। राष्ट्रकूट किस वंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का। राष्ट्रकूट वंश वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। नेक्स्ट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के संरक्षक थे। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ 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 गया था, वह था अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, तो वह था अमीर खुसरो गया था। उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है, किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह था? तो डिजराइली ने स्वीकार किया कि 1800 डिजराइली अंग्रेज था 1800 वह कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनराधिकार कर लिया? तो दिल्ली पर। विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तात्या टोपे। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह रामोसी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है? तो रामोसी विद्रोह के नाम से उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का विद्रोह। उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का विद्रोह को रामोसी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद रायबरेली, सैयद अहमद वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण क्या था? तो नाटक था, नील दर्पण नाटक था, जो कि बागान मालिकों के उत्पीड़न का खुला चित्रण दिया है, जिसने बागान मालिकों के उत्पीड़न का खुला चित्रण दिया है। हिंदुस्तान मजदूर सभा की सरदार वल्लभ भाई पटेल, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ महात्मा गांधी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं की दल में आधिकारिक पदस्थिति क्या थे? तो महासचिव, एवं महासचिव थे, आधिकारिक पदस्थिति महासचिव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से, इसमें कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। अति संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य और उद्देश्य था, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पहला कार्य और उद्देश्य 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया तो प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों के चार अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ एवं राज्य में मिला लिया गया? 1962 में गोवा सहित सभी पुर्तगाली बस्तियों को आपस में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो 1976। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता का अंत करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? 1976। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? किस संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल को कितनी अवधि के भीतर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? तो कोई निश्चित समय नहीं होता है। राज्य विधानमंडल को कितनी अवधि के भीतर संविधान के संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? तो कोई निश्चित समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपनी निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो बीवी गिरी। कौन से राष्ट्रपति थे जो सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप, यानी दूसरा राउंड के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो बीवी गिरी। इसके बाद हम देखेंगे भारत में विश्व का भूगोल। इसके बाद बाकिना फास्को किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नया नाम है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है तो पारसनाथ। छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। जो कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजारा और जास्कर श्रेणियों के बीच है। नेक्स्ट, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? तो कालगुरली तथा कुलगाडी। ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख स्वर्ण खान कालगुरली तथा कुलगाडी है। इसके बाद हम देखेंगे बुडापेस्ट बुखारेस्ट तथा वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा बांध यानी विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो
महानदी पर है जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। महानदी पर है उड़ीसा का सबसे लंबा बन तथा लंबाई 4800 मीटर है। नेक्स्ट क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है, तो पारा को यानी मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST किस संस्था के स्थानीय समय को दर्शाता है, तो इलाहाबाद IST इलाहाबाद 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तावा नदी किसकी सहायक नदी है, तावा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था से देखेंगे, सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीघ्र ही उत्पादित की जाने वाली आइकॉन कारों का उत्पादन किस कंपनी, तो फोर्ड इंडिया। आइकॉन को फोर्ड इंडिया कंपनी डील करता है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो केरल है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल एक मात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, तो भारतीय तेल निगम है। इसके बाद सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हम देखेंगे, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B6 का, पायरिडॉक्सिन B6 का नाम है। उसके बाद मैनोमीटर से क्या, तो गैसों का दाब मापा जाता है। उसके बाद फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्वी रोग होता है। चार अर्ध आयुओं के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा, तो 1/16 यानी 6.25% अविघटित रह, चार अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा, 1/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क छिपांग जेरोक्स थालमिया का कारण है, तो विटामिन ए की कमी है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है, तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है यानी पारामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है, इसमें से एक बीटा कोण उत्सर्जित होने पर कितना हो जाता है, तो Z+1 हो जाता है। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कोण की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट उसके बाद खेलकूद से हम देखेंगे, ड्यूस कप किस खेल से संबंधित है, तो ड्यूस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। फुटबॉल के किस विख्यात खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल कहा जाता है, तो पेले को कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल कप क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIDE किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के हैं, तो अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता देसाई, मंजीत दुआ तथा कोमल मेहता किस खेल से हैं, तो टेबल टेनिस से हैं। किनन स्टेडियम भारत के किस औद्योगिक नगर में है, तो जमशेदपुर। इंग्लैंड के किस स्टेडियम पर डर्बी घोड़दौड़ आयोजित की जाती है, तो इप्सम स्टेडियम पर डर्बी घोड़दौड़ स्थापित की जाती है। इंग्लैंड के व्हाइट सिटी स्टेडियम पर कौन सी दौड़ आयोजित की जाती है, तो कुत्तों की दौड़ तथा
तथा डर्बी घुड़दौल अति इप्सम स्टेडियम पर की जाते हैं। किस राष्ट्रीय महिला खेल में बेगम हजरत महल ट्रॉफी प्रदान की जाती है? हजरत महल फुटबॉल में की जाती है। इसके बाद विविध हम देखेंगे, विविध में कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये भी क्वेश्चन करेंट है। चीन के साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर, चीन के साम्यवादी शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। नेक्स्ट, किसी विदेशी वैज्ञानिक को दिए जाने वाला चीन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो फ्रेंडशिप पुरस्कार। किसी विदेशी वैज्ञानिक को दिए जाने वाला चीन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फ्रेंडशिप पुरस्कार। ओसामा बिन लादेन को मुर्दा या जिंदा लाने के लिए 1,00,000 रुपये का प्रतीकात्मक पैसे किस भारतीय संगठन ने घोषित किया? अखिल भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा तथा सोलिसिटर अगेंस्ट ने किया। ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना है। आधुनिक चीन का निर्माता मुख्य किसे माना जाता है? तो सन्यात सिंह को माना जाता है। इस्लामी उग्रवाद से प्रभावित और हिंसात्मक संघर्ष के लिए संचार माध्यमों में चर्चित रूसी प्रांत कौन है? तो दागिस्तान है। इस्लामी उग्रवाद से प्रभावित दागिस्तान है। नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अमर्त्य सेन को इंडिया एयरलाइंस द्वारा आजीवन निःशुल्क यात्रा के लिए किस उपहार से सम्मानित किया जाता है? लाइफ टाइम ट्रिब्यूट कार्ड। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को इंडियन एयरलाइन द्वारा आजीवन निःशुल्क यात्रा के लिए उपहार से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम ट्रिब्यूट कार्ड से सम्मानित किया गया। ईस्ट तिमोर किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। ईस्ट तिमोर कहाँ है इंडोनेशिया में। किन दो देशों की सीमा रेखा को डुरंड लाइन कहा जाता है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को डुरंड रेखा लाइन कहा जाता है। अमेरिका का डोजोन्स इंडेक्स किससे संबंधित है तो शेयर बाजार से संबंधित। कबूतर किसका संकेत है? तो कबूतर शांति का संदेश है। इंग्लैंड में उस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी किसकी सहायक कंपनी है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी किसकी सहायक कंपनी है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं तो अवाडी में बनाए जाते हैं। उसके बाद में फ्रायड का संबंध मनोविज्ञान से है। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ विकसित हुआ तो मोहिनीअट्टम केरल में हुआ। और अलमाटी बांध किस नदी पर है कृष्णा नदी पर है। दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर श्री पेराम्बुदूर किस महान पुरुष की जन्मभूमि है? तो रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर श्री पेराम्बुदूर परामानुजाचार्य की पुण्य भूमि है। राष्ट्रपति सोलोदान, ये भी क्वेश्चन करेंट है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लेखक बिल गेट्स। किस वर्ष साउथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? था नेपाल के प्रधानमंत्री कृष्णा प्रसाद भद्राई को। एल न्यू डील फॉर एशिया नामक पुस्तक के लेखक तो महाथिर मोहम्मद हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड निदर्शी चौधरी है। चलिए, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा की जाती है। मनी ऑन कॉल क्या होता है? तो मांग का प्रतिदेय ऋण होता है। मृगनयनी किसकी कृति है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी की
क्या है? कृति है। दोस्तों यहीं पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि एक घंटा हो गया है। इसके बाद से दोस्तों अगला हम प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच।